साहब जी, गोविंदा साहब, त्यागी साहब, साहु साहब का मैं धन्यवाद इस बात का देना चाहता हूँ कि वो एक फोरम प्रोवाइड करते हैं ये अच्छा, जिसमें आज तो खैर पॉलिटिशियन भी शामिल हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट जरूर इसमें होते हैं, और पॉलिटिशियन भी भावी पॉलिटिशियन जो कि अब तक शायद छुपे हुए थे, लेकिन अब वो जिसे कहते हैं बिंदिया समूर्ति या सी के मुंह में अगर भूत आ जाए तो वो मूर्ति बन जाती है, तो आज वो मूर्ति है। मैं सेक्रेटरी आईटी रहा हूँ और अब आपका पूरे हिंदुस्तान की आर्मी का आईटी देख रहा हूँ, बहुत आप लोगों से मुखातिब होता रहता हूँ, आते रहते हैं। दो बात जरूर कहना चाहूँगा, एक तो ये कि जरूरत साहब चले गए, वैसे वो एनआईसी देख रहे थे तो, लेकिन मैंने अब जो है एक चीज जो करी है कि हर जगह जो ट्रांसपेरेंसी की बात की जाती है, सबसे बड़ी ट्रांसपेरेंसी यही है कि हर चीज हर एक को मालूम होने में दिक्कत क्या है। ये इतनी सारी जो सोशल मीडिया की चीज है, व्हाट्सएप और जितने भी वो है, क्या है ट्रांसपेरेंसी? एक आदमी एक को चिट्ठी लिखता है, सारे पढ़ लेते हैं। मैं तो बल्कि कल किसी को कह रहा था कि सीबीआई जो है सारे केस, इसमें क्या ऐसी चीज सीख रही थी जो उसमें छुपे रहती है, क्या वो कर रही है? ओपन रहे तो हर एक को मालूम है किसके खिलाफ क्या हो। मेरे ख्याल से अगर गोयल का साहब सुन रहे हैं शायद इस बात को सबसे पहले, मेरे ख्याल से आगे वाले के लिए सबके लिए अच्छा रहेगा, इसलिए क्योंकि जब टेट्रा, मैंने जब मैं दिल्ली गवर्नमेंट का सेक्रेटरी आईटी था तो टेट्रा जो था मैंने जब किया उसकी कंप्लेंट, फिर वो सुनने में ऐसा तन्मय मुखर्जी भी शायद यहाँ पे थे, नाम सुना तो पता नहीं है या नहीं है टीसीएस, उन्होंने भी मेरी कंप्लेंट लिखी थी कि साहब ये टेट्रा क्यों आया, आज वो टेट्रा पूरा दिल्ली पुलिस उसी को यूज कर रही है। तो मैंने उस समय रतन टाटा साहब को डीओ लिखा कि जब अगर टाटा की कोई कंपनी अगर किसी उसमें पार्टिसिपेट भी करती है किसी टेंडर में, तो वो उस टेंडर की कुछ अहमियत बन जाती है, और जिस टेंडर को ग्लोबल टेंडर हो, उस ग्लोबल टेंडर के टू बिट सिस्टम हो, जिसकी फाइनेंशियल कमर्शियल बिट, जिसकी कमर्शियल में कि लाइसेंस लिया गया था और एक ने अपना प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन इंडिपेंडेंट कमेटी ने किया, जिसमें आईआईटी से लेकर के और बाकी सब लोग थे, और अल्टीमेटली वो उस ट्रांसपेरेंसी में जिसमें शाम को 6 बजे अगर फाइनेंशियल बिट खुलती है और सुबह कंप्लेंट आ जाती है, तो रात रात में ऐसा क्या हो गया जिसमें कि जो है अगर बिट नहीं मिली तो कंप्लेंट करने का मौका मिल गया। रतन टाटा का जवाब आया, टीसीएस के चेयरमैन का जवाब आया, चाहे राय मिल गया। तन्मय चक्रवर्ती खैर अगर हैं तो उस बात को जो जानते होंगे, अगला एक बहुत बड़ा जो मैंने डिजाइन बिल्ट वन ऑपरेट पे जो टू बिट टू डी सिस्टम बनाया था वो उनको मिला था। कहने का मेरा मतलब ये, तो इंडस्ट्री के अंदर आपस में एक दूसरे के लिए दुश्मन की तरह ना देखें, एक को अगर टेंडर मिलता है तो दूसरा कंप्लेंट करें तो वैलिड हो, वैलिड ना हो तो जबरदस्ती वो कंप्लेंट करके जो है सिस्टम में फर्क आता है। दूसरा एक मैं जरूर बात कहूंगा कि बड़ा आज की तारीख में ये दुख की बात है कि इंजीनियर बन के उसको 5,000 की नौकरी शायद मिल जाए तो गनीमत है, दे पढ़े लिखे को कम से कम गार्ड की नौकरी मिल जाएगी, 7-8 हजार रुपये की तनख्वाह मिल जाती है, और उस सबके जिम्मेदार आप लोग हैं। इसलिए है कि अभी जब मेरे पास जब आर्मी की सारी पर्चीज देख ही रहा था आर्टी की, तो डीजे संजी का मैंने अभी सोच लिया है और लिख के भी दे रहा हूं कि कोई भी वो आइटम परचेज ना किया जाए जो बाहर मैन्युफैक्चर होता है। कम से कम डीजे सेंटी के अंदर हम सामान सारा की सारा, चाहे प्रिंटर हैं, MFT हैं, स्कैनर्स हैं, आपके UPS हैं, चाइना से बन के आए और हमारी डीजे सेंटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स उसको लेके पूरे हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री में सप्लाई करें, दुख की बात है। 4 तरह सस्ते लोग होते हैं, लेकिन 4 तरह सस्ते होकर के आप ये देखिएगा आप कितना बड़ा देश का नुकसान कर रहे हैं, आपकी इतनी बड़ी टेक्निकल सारी की सारी जो हमारी भावी पॉपुलेशन है सब बेकार बैठी है। अगर कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कुछ परचेज करते हैं तो वो हिंदुस्तान में बनना चाहिए। इससे पहले मैं नेवी देखता था, जब नेवी में मैंने, आज ये बात मैं आप लोगों के सामने कह देता हूँ लेकिन सामने आ भी जाती, बहुत भयंकर एक गलत एक्सीडेंट हुआ,
पूरी की नेवी, मैं उससे बॉम्बे में था, मैं प्रिंसिपल फाइनेंशियल कंट्रोलर पूरे हिंदुस्तान की नेवी और कोस्ट गार्ड देख रहा था जब ये इतनी बड़ी सिंधु रक्षक पनडुब्बी डूब गई सब मरे। कारण क्या था? ये शायद आज तक अभी तो खैर उसको निकाल रहे हैं समुद्र में से, लेकिन मैंने उनको एक ये लिखा था कि साहब हमारे यहाँ फायर कंट्रोल सिस्टम जो है वो हमारे इंडिजिनस डेवलप हो गई थी। हमारी आज की तारीख में नेवी और एयरफोर्स क्या हो गए हैं? इम्पोर्टेड हो गए हैं, हर चीज बाहर से आती है। मैंने एडमिरल जोशी साहब से उस समय कहा था कि क्या हम साइकिल बनाने के अलावा क्या हम पानी के जहाज और एक छोटे छोटे और एक सबमरीन अब नहीं बना सकते? स्कॉर्पियन सबमरीन फ्रेंच वाले भी आए हमको दे रहे हैं, तो उससे पहले तो पाकिस्तान को लेके आते हैं, वो तो दुकान खोल के बैठे हैं। कौन सी अगर हम डिफेंस की चीज इंपोर्ट करते हैं तो उसमें क्या सीखने सी है? वो तो दुकान खोल के बैठे हैं, आप भी ले लीजिए, दूसरा भी ले लीजिए, तीसरा भी ले लीजिए। सीखनी सी है आपकी वॉर स्ट्रेटजी, आपकी वॉर पॉलिसी, आपकी डिप्लॉयमेंट। तो ये एक सोचने की बात है कि ये हमारा सीक्रेसी वाला वर्ड जो है, इतना बड़ा डिफेंस जिसका 4 लाख करोड़ का बजट होता है और जिसमें से 80% सब विदेश से ही आता है। विपिन त्यागी जरूर बैठे हैं यहाँ पे सी डॉट के, इनके बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने प्रोडक्ट डेवलप किए हैं। मैं तो इन्होंने जब यहाँ डिफेंस एक्सपोजिशन में अपना इन्होंने लगाया था तो स्टॉल में देखने गया तो मैंने भी कहा कि मतलब सिग्नल्स और अपने इन सबके अंदर घुसाओ, हिंदुस्तान का कम से कम बना प्रोडक्ट चलेगा तो सही। जरूरी है कि हम विदेशी, आप इधर बहुत सारे प्रेजेंटेशन करेंगे, विदेशी का स्वदेशीकरण कर रहे हैं बेचने में, उनको स्वदेशी ही बना दो, यही बनने शुरू क्यों नहीं हो जाते? आज की तारीख में ये मार्केट सेलर मार्केट नहीं है, बायर मार्केट है। हम बायर हैं, हम खरीदने वाले हैं। अगर हम कहेंगे कि साहब आज की एक, मैं बताऊँ एक मीटिंग, वैसे तो सर बड़ी बड़ी मीटिंग डिफेंस में होती रहती है और शेयर लेकिन करने में दिक्कत है, आज वहाँ पे तीनों सर्विसेज कहते हैं, लेकिन एक बात कही, अगर आज की तारीख में साहब इंपोर्ट करने वाले साहब वहाँ से इंपोर्ट करने वाला है, इंपोर्ट करने वाला दुकान यहाँ खोलेगा क्यों नहीं खोलेगा? चाइना के अंदर, जापान के अंदर भी एक ये रूल है कि कंपनी का हेड होगा तो जापानी होगा या चाइनीज होगा, अगर मल्टीनेशनल है हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता? अगर यहाँ पे आईपीएम को भी हेड करना है, किसी को भी हेड करना है, विदेशी हो या स्वदेशी भी तो हेड हो सकता है। ये कुछ ऐसी चीजें लानी पड़ेंगी। मैं ये इसलिए कहता हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ों में, जब बीटीसी सीएनजी में कन्वर्ट हुई 2001 से 2003, वो मैंने कर इतना बड़ा जवाहरलाल अर्बन रिन्यूअल मिशन मनाया, बंदारू दत्तात्रेय साहब उसमें मेरे मंत्री थे, मैंने डॉक्टर अर्बन डेवलपमेंट ज्वाइन किया था, उन्होंने दो उसमें स्कीम के हमारे एक्सलेट अर्बन वाटर सप्लाई IDSM थी, तो मेरे पास फाइल आई थी सर, उसको उसका फॉरवर्ड किया था, साइन करो और प्लानिंग कमीशन दे दो। मैं उनके पास गया, मैंने कहा था मेरे को भी ज्वाइन किया इसमें 15 दिन हो गए हैं, ये लेटर आया मैं साइन करके भेज, तो दूसरा ये हो सकता है कि मैं इस लेटर को रोक लूँ, एक नई स्कीम बनाओ, क्योंकि अभी जो हमारे अर्बन माने जाते हैं वो सिर्फ वो माने जाते हैं अर्बन एरिया जो 20,000 की पॉपुलेशन की है। उनको तुम क्या करोगे? मैंने कहा सर देखिए कारण ये है कि आप मंत्री हैं, आपका अप्रूव किया लेटर मैं रोक नहीं सकता हूँ, आप ही परमिशन से रोक लूँगा। अनिल भाई का सर उस समय, एलएन खन्ना सर उस समय अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी, रोका और उस समय मैंने फिर ये कॉन्सेप्ट ये शुरू किया जीरो से लेकर के और इन्फिनिटी तक का पॉपुलेशन के बेसिस पे, और ज्वाला नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन बनाया, 58,000 करोड़ का बनाया जिसने पूरा देश, उसके बाद वो मैंने वो मिनिस्ट्री ज्वाइन करी थी 5 फरवरी 2004 में और 3 दिसंबर 2005 को विज्ञान भवन में प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया। पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ दीजिए, वो वाले इश्यू की बात नहीं कर रहा, लेकिन उस JNUORM ने आज पूरा हिंदुस्तान चेंज कर दिया। मेरा कहना है कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर हमारे को टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आज अभी तक ई प्रिक्योरमेंट मिनिस्टर डिफेंस में नहीं है। कल ही मेरी बात हुई ज्वाइंट सेक्रेटरी से, उसे पर सेक्रेटरी आर शर्मा साहब से मिल गया, मैंने कहा ई प्रिक्योरमेंट मस्ट बी मस्ट, ये ही होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, क्या डिफेंस में ऐसी कौन सी चीज है? अब 300 करोड़ के टेंडर किए गए आटा, आटा जो है पहली बार ई प्रिक्योरमेंट में हुआ, ई प्रिक्योरमेंट जब आटा हुआ है तो सबको मालूम पड़ गया पूरी चारों पांचों जितनी कमांड में कि कब किस रेट पे किस प्राइस पे। अब कम से कम अंडा, दाल, चावल, चीनी, कपड़े, फौज को वही, जैसे हम ऐसी फौज है तो वही आदमी और वही चीजें पहनती, तो अब जब ये ई प्रिक्योरमेंट शुरू होगा तो चाहे आदमी दिल्ली में बैठा है या चाहे आदमी तमिलनाडु में बैठा है, कम से कम सब देख करके उस संभाव से उसे पार्टिसिपेट तो कर पाएंगे। आपके आईटी के इतने सारे प्रोडक्ट हैं जो सिर्फ जान पहचान, मैं समझता हूँ जान पहचान एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, नेटवर्किंग बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि आप और हम तपस्या करते रहे तो शायद
भगवान विष्णु नहीं आएंगे, लेकिन नारद जी कहते हैं नारायण नारायण, तो विष्णु भगवान उतर के आ जाते हैं। तो जान पहचान हमारे शास्त्रों में है तो अप्रूव, तो वो वाली बात नेटवर्किंग की मानता तो, लेकिन कम से कम वो वाली अगर बहुत अच्छा लगा सुनकर के, अगर राजा व्यापारी तो बजा प्रजाधिकारी बहुत बढ़िया अच्छा पॉइंट किया। उसमें मैं जरूर ये कहूंगा कि ये 30,000 करोड़ एयर इंडिया को देने बंद कर दो, कम से कम दो चीज जरूर हमारी जो है वो हमारे, और उसके लिए पैसा तो दूसरे लोग भी ले आएंगे और एयरलाइन भी कर लेंगे। दो चीज जरूर मैं चाहूंगा कि एक एजुकेशन और एक हेल्थ, ये इस देश की जिम्मेदारी होनी चाहिए। वो आज ये वाला एजुकेशन और हेल्थ इसलिए कहते हैं कम से कम शायद अच्छे ठीक कानों में बात पहुंच जाए, जो इस देश में जन्म लेता है तो इस देश का भी फर्ज बन जाता है कि उसका पालन पोषण करें। अब पढ़ाने के लिए भी अगर एजुकेशन भी जो है आज की तारीख में जो है कमर्शियल हो गई है, तो मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्य से कम नहीं है। और मैंने अपने माता पिता दोनों खो दिए डॉक्टरों की गलती से, इसलिए क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल के लिए वो आदमी पेशेंट नहीं दिखता है, वो सिर्फ ये दिखता है कि इसमें से मैं कितना ले सकता हूँ। दो चीज़ जरूर मैं मानूंगा, उसमें जरूर मानता हूँ कि बहुत अच्छा क्यूबा और कई कंट्रीज ऐसी जिन्होंने इसको अपने अभी तक अपने ही हाथ में रखा है, लेकिन आईटी सेक्टर के लिए पॉलिसीज शायद आप सबको पता नहीं कितनों को मालूम है कि आज की तारीख में जो अभी स्कीम चल रही है जिसके अंदर 25% तक सब्सिडी भी है कि अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम कंपोनेंट यहाँ बनाए। इतना बड़ा डिफेंस सेक्टर, दोनों की दोनों जो डिप्रेशन हुए थे वो खत्म सिर्फ डिफेंस सेक्टर फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही खत्म हुआ, क्यों नहीं वो सारे के सारे हिंदुस्तान में बन सकते हैं? ये क्यों सारे के सारे यूरोप और अमेरिका और यार शायद आपको नहीं मालूम कि जितना बेशक बुरा लगे लेकिन अंग्रेजों ने शायद 1947 से 1947 तक इतना नहीं लूटा होगा जितना ये गांधी का देश लूट रहा है। वर्ल्ड का 12% इम्पोर्ट आर्म्स का हम कर रहे हैं, 12% वर्ल्ड का। तो अगर ये 12% का इम्पोर्ट में से अगर हम कम से कम उस 12% का अगर 50% भी हिंदुस्तान में बनाना शुरू कर दें तो वो हमारे गर्व की और शान की ज़्यादा बड़ी बात होगी, बजाय इसके कि ये गर्व की बात हो कि हम 12% वर्ल्ड के हम जो है असला खरीदने वाले हैं। बड़े बड़े प्रोग्राम हैं आर्मी के लिए, कुछ वॉर गेम्स हैं, वॉर डेक हैं, आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं शायद सभी आर्मी हेडक्वार्टर से लेकर मिनिस्टर डिफेंस के चक्कर काटते हैं, जो कि बहुत बड़ा आपके लिए मार्केट है। पॉलिसी वाले बहुत आज मैं समझता हूँ, धन्यवाद दूँ इसका साहू साहब का कि कम से कम ऐसे लोग को ले करके आया जिसने कुछ मीडिया में करके दिखाया, इन्होंने कुछ करके दिखाया है। मोदी साहब का बहुत अच्छा जो जिस तरह का मीडिया अगर मैनेज हुआ और उसके संचालन और प्रभारी रहे हैं तो मैं इनका जरूर धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन ये भी जरूर चाहूँगा इनसे, ये भी आग्रह करूँगा कि पॉलिसी प्रोग्राम ऐसे हों कि हमारे लोगों के ये इंडस्ट्रीज़ के गले ना घुटे। OEM कहने में, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कहने में गर्व हो, वेंडर कहने में गर्व ना हो। ठीक, आप वेंडर्स हैं बेचिए सामान को, आप आगे हर जगह मैन्युफैक्चर भी अगर अपने पांव के जूते घिसने लगेगा तो शायद उसके बाद उसको मैन्युफैक्चर करने में समय नहीं लगेगा। लेकिन कुछ जैसे चीज़ें अभी जैसे पहले वाला मैं अभी जो देख रहा था प्रेजेंटेशन, अगर बहुत सारे सिक्योरिटी एप्लीकेशन हम अपने यहाँ डेवलप कर रहे हैं तो कुछ तो उनको प्रमोशन, कुछ तो उनको प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे होने चाहिए। अगर आप एक्चुअली वो पॉलिसीज के बारे में नहीं बोलना चाहता, लेकिन इटली के डिजाइन सिस्टम जो इटली को बदलते हैं, नोकिया कहाँ शुरू हुई थी, एक दो बार वो और जरूर बता दूँ, जब नोकिया जो थी वो ध्यान में बैठे होंगे आपको शायद किसी को बुरा भी लगेगा, ये गैरेज में शुरू हुई थी, लेकिन पिछली एक मीटिंग बुलाई थी जिसके अंदर की पॉलिसी पैरामीटर्स के लिए थी, ओबरा होटल में हुई थी, तो वहाँ पर मैंने दो इशू रेज किए। एक तो ये कि हम सारे के सारे अपने सिक्योरिटी की बात करते हैं, चिप मैन्युफैक्चर करने की अभी कोई कंपनी नहीं है, तो वहाँ पे उसमें उठ करके आए अपना एक एक चिप बनाने वाले इंटेल साहब हैं, मैंने कुछ काफ़ी वहाँ पे शब्द कहे जो कि उनको अच्छे नहीं लगे, उसमें मंत्री छोटे मंत्री सेक्रेटरी सभी बैठे थे कपिल सिब्बल साहब के साथ। मैंने कहा मतलब क्या जरूरत है कि ये जो हम चिप इंपोर्ट करके नहीं होते तो हम मना कर दें, नहीं ना इसके चिप ऑक्टो चिप बनाने वाले और 3-4 और भी हैं, तो वो आके कहते कि साहब हम इतना बड़ा जो है आपका सोशल वेलफेयर प्रोग्राम करते हैं, हम लोगों को खाना देते हैं, मिड डे मील्स देते हैं, ये देते हैं।
आप इसलिए यहाँ पे हैं? अरे वो तो उसके अगर वही आपने कर रहा था तो चिप पर आना बंद कर दीजिए। दूसरा मैंने कहा कि इतना ये नोकिया है, नोकिया का इतने बड़े फोन, मेरे पास भी दो फोन है वो नोकिया के ही हैं, सभी के हैं, क्या यहाँ पे नोकिया ही मेरे खर्चे हो सकता? इसकी जो मोटर है जो 80% का कॉस्ट है वो तो आप इम्पोर्ट ही करते हैं, वो तो सीकेट ही लाते हैं, यहाँ पे आके असेंबल ही कर लेते हैं, वो भी यहाँ पे नहीं मैन्युफैक्चर हो सकती। उसने भी आगे कहा साहब हम इतने बड़े स्कूलों को खिलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, मिड डे मील करते हैं, अपना सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं। कहने का पर्पस मतलब ये है, देश कभी भी जो है पड़ोसी पे या उधार पे नहीं चलता है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग होगी तो ये देश तरक्की कर पाएगा। ये मिनिस्ट्रीज, ये बड़े बड़े प्रिक्योरमेंट, ये हमारे देश के लिए ऐसे ना हो जाए कि अपने देश की जनता के दुश्मन हो जाए। हम लोग ब्यूरोक्रेसी के अंदर, मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि जब दिल्ली को दिखाया जाता है टीवी में तो उसको लाल किला नहीं दिखाया जाता, कुतुब मीनार दिखाया जाता है, और कुतुब मीनार जो है वो गुलामों ने बनाई थी। जब गुलाम शाह हो जाते हैं तो शहनशाह हो जाते हैं तो ये हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो है सामने आती है। जब हम लोग जो है सरकारी नौकर वर्न सर्वेंट कहे जाते हैं सेवा के लिए हैं आपके, लेकिन जब हम राजा की तरह यूज अपने आप को समझने लगते हैं और आपका हमारे में फर्क आ जाता है, सब जो है इस देश की जो हालत आज की है ऐसी हालत होने में कि हम विदेश का खाते हैं, विदेश का सोच पहनते हैं, विदेश का सोचते हैं। मेरे आपको बहुत अच्छा लगे कि आप सब लोग ये फोरम ऐसे जो है कुछ आपको नई थिंकिंग दें, कुछ आपके तरक्की दें, और बहुत सारे जो बंद मिनिस्ट्रीज हैं, बंद डिसीजन हैं, वो आपकी ट्रांसपेरेंसी में खुल करके आ रहे हैं। धन्यवाद।